तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। इस वक्त तो डिफॉल्ट में नहीं जा रहा और मेरे ख्याल में हमें इस चीज की इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए कि डिफॉल्ट में जाएगा। हाँ, असर ये पड़ेगा कि महंगाई बढ़ेगी क्योंकि आपने इम्पोर्ट्स कम कर दी और जो जो चीजें आएंगी वो महंगी हो जाएंगी और उस पर आवाम पे मुश्किलें और बढ़ेंगी। फार्मा, चिकन फीड, रॉ मटेरियल्स जो हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, ये सारे के सारे इनकी एलसीएं जो हैं वो नहीं खुल रही और एयरलाइंस को पेमेंट्स नहीं हो रही जिस तरीके से, और जो आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको नहीं हो रही, शिपिंग लाइंस को नहीं हो रही और बैंक्स को इस दफा सुनने में यह आया कि इंस्ट्रक्शन हैं कि दिसंबर के अंदर 30 से 40% जो है इम्पोर्ट्स और कम होनी चाहिए।